हेलो सो आप दे अपने चैनल पे तुहाडा सारे दा बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि थोनू पता है लास्ट लैक्चर दे विच आपां ने गुरमत काव्य दी स्टार्टिंग कर ली सी, जिदे विच आपां ने गुरु नानक देव जी बारे पढ़िया सी। सो कल मैनूं लगदा है कि आपां पढ़िया घट सी, टाइम ज़्यादा लग गया, तो उतां करके अज मैं पहले तो ही लिख के लैके आया ताकि अपना टाइम घट होवे ते पढ़िया ज़्यादा जाए। ठीक है, सो कल जिथों आपने खत्म किया उतों ही स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक देव जी बारे आप पढ़ रहे सी, तां उहदे विच मैंने कल कहा सी उन्हां दी एक रचना है कि दखनी ओंकार, उन्हां दी रचना कि है दखनी ओंकार, तो ये बारे मैंने दस्या सी कि जदों वह अपनी उदासी वेले दखण वल नूं जा रहे सी तां उदों उन्होंने इहदी रचना की सी। तां कहा जांदा है जो दखनी ओंकार है उहदे विच किन्ने पद ने, उहदे विच 54 पद ने, मतलब 54 पद ने, अते ओह किस राग दे विच आ, रामकली राग दे विच है। ठीक है, तो वह किन्ने राग दे विच, किन्ने किहड़े राग दे विच है, रामकली राग दे विच है। उस तों बाद जपजी साहिब ते कल कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए सी कि जपजी साहिब एक दार्शनिक रचना है। ठीक है, जपजी साहिब एक दार्शनिक रचना है, तो ये बारे मैंने एक गल होर कराई सी कि कहा जाता है कि सब तो शाहकार रचना, शाहकार का मतलब होंगे सब तो उत्तम रचना गुरु नानक देव जी की कि मनी जाती है, तो वह भी कि मनी जाती है जपजी साहिब मनी जाती है। उन्होंने रच यदि रचना उन्होंने कितने की सी, करतारपुर साहिब की सी। ठीक है, यह वह शहर से जो गुरु नानक देव जी ने वसाया सी, ते एक कित्थे सीगा, यह रावी दरिया के कोल सीगा, कित्थे सीगा जी, रावी दरिया के कोल सी। ते जे थोनू पता होवे ते रावी दरिया इस टाइम कित्थे है, लगभग लगभग सारे का सारा पाकिस्तान च बहिंदा, कुछ हिस्सा जो है वह पंजाब दे विच है। ते पेपर का अगला क्वेश्चन के गुरबाणी की कुंजी किसनू कहा जाता है। पेपर दे विच देखो गुरबाणी की कुंजी का मतलब है कि गुरु नानक देव जी की रचना की जो गल करिए, भी गुरु नानक देव जी रचना के विचों गुरबाणी की कुंजी किसनू कहा जाता है, तो वह जपजी साहिब नू कहा जाता है। ठीक है, तो जे आवे किसकी रचना, जे तो आवे भी गुरु नानक देव जी की कि रचना कहा जाता है गुरबाणी की कुंजी, तो वह किनू कहा जाता है, जपजी साहिब नू। पर जे कि किसकी रचना गुरबाणी की कुंजी कहा जाता ओवरऑल देखिए, तो वह भाई गुरदास जी को कहा जाता। ठीक है, भाई गुरदास जी अगे आता अपने को जपजी साहिब से अगला क्वेश्चन के राग रहित रचना। राग रहित रचना का मतलब की है कि यह किसी भी राग के उत्ते नहीं गाई जाती, या किसी भी राग के उत्ते गा सकते हैं, भी यह कोई प्रॉपर राग नहीं है कि इसी राग के उत्ते इन्हें गाना, यह किसी भी राग के विच गाई जा सकती है। तो राग रहित रचना गुरु नानक देव जी की कि है, जपजी साहिब। उस तो बाद इन्होंने जो 12 माह लिखा सी जी, 12 माह किस राग के तुखारी राग के, किस राग के तुखारी राग के, उस तो बाद 12 माह के क्वेश्चन आता है। 12 माह का मतलब की हो, 12 महीने, 12 माह तुहानू पता होगा पंजाबी दे विच, 12 मतलब 12, माह मतलब महीने। तो इन्हां जिहड़ा 12 माह सी उहदी शुरुआत कित्थों हुंदी सी, चेत महीने तो हुंदी सी, तुहानू पता है कि पंजाबी दे विच देसी महीने हुंदे ने। ठीक है, सो देसी महीने, तो इन्हां जिहड़ा 12 माह सी उह कित्थों शुरुआत दे विच हुंदा सी, शुरू हुंदा सी चेत तों हुंदा सी। इह अखीर किहड़े महीने ते हुंदे सी उह थल्ले कमेंट करके दसना कि यह अखीर किहड़े महीने ते हुंदा सी, उह थोने कमेंट करके दसना। ठीक है, अगे अपने कोले आंदा है कि इन्हां दे कुछ गुरु सीगे, कुछ अध्यापक सीगे, तो सब तो पहला की है हिंदी ते गणित दे अध्यापक, इन्हां दे हिंदी ते गणित दे अध्यापक कौन सी, पंडित गोपाल। कल मैंने क्वेश्चन करवाया सी कि जिन्होंने इन्हों जनेऊ पुआन की रस्म अदा की सी उन्हों का नाम की सी, तो उन्हों का नाम से पंडित हरदयाल। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, सो हिंदी ते गणित दे अध्यापक इन्हां दे कौन सी, पंडित गोपाल सीगे। तो जे गल करा अरबी ते फारसी दे, अरबी ते फारसी दे कौन सी, मौलवी कुतुबद्दीन। तो मौलवी कुतुबद्दीन की सी, इन्हां दे अरबी अते फारसी दे टीचर सीगे, अध्यापक सीगे। ते जे मैं गल करा संस्कृत दी, जे मैं गल करा संस्कृत दी, तो संस्कृत दे किहड़े सी, पंडित ब्रिजनाथ सी। तो इन्हां तिन्नां कोले इन्हां नूं की एज जिहड़े सीगे, इन्हां तिन्नां टीचरां ने इन्हां नूं की दित्ती सी इस चीज़ की सिक्ख्या दित्ती सी। अगे जे गल करा मैं आसा दी वार, मैं तुहानूं कल करवाया सी कि आसा दी वार इन्हां दी एक रचना है, तो वह की है, मनिया जाता कि पहली अध्यात्मिक वार। ठीक है, वारा कई होंदिया ने, वीर रस्ते बहुत वारा होंदिया ने, पर जे पेपर च कदे क्वेश्चन आ गया कि पहली अध्यात्मक वार कि, पहली अध्यात्मक वार कि आसा दी वार। ठीक है, पहली अध्यात्मक वार कि आसा दी वार। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के प्रोफेसर साहिब सिंह होए ने, प्रोफेसर साहिब सिंह होए ने, हुण मैं एक तबा लिखाऊंगा उहदे विच करांगे आपां, तां प्रोफेसर साहिब सिंह नूं की कहा जांदा है, गुरबाणी का पणनी कहा जांदा है, पणनी, पणनी। ठीक है, तां प्रोफेसर साहिब सिंह नूं की कहा जांदा है, गुरबाणी का पणनी कहा जांदा है। ते जे मैं इत्थे वारां दी गल कर रहा सीगा तां गुरु नानक देव जी ने किन्नी वारां दी रचना कीती सी, तां गुरु नानक देव जी ने कुल 3 वारां दी रचना कीती सी, आसा दी वार, माझ दी वार अते मल्हार दी वार। ठीक है, ते कल मैं तुहानूं करवा के हटिया कि आसा दी वार नूं किहदे उत्ते गाउण दा हुक्म है, टुंडे असराजे दी धुनी ते गाउण दा हुक्म है। ते जे मैं गल करां माझ दी वार, जो अपने कोले
माझ दी वार है, इसनों किस दे उत्ते गाउण दा हुक्म है? मलक मुरीद चंद्रहड़ा सोहिया दी धुनी दे उत्ते गाउण दा हुक्म है। मलक मुरीद चंद्रहड़ा सोहिया दी धुनी ते गाउण दा हुक्म है। ते जे गल करा मल्हार दी वार, जे मैं गल करा मल्हार दी वार, तां रावे कैलाश दी वार उत्ते गाउण दा इहनूं हुक्म है। मतलब कि जे आपां ने चंगी तरह इह गाउणी है तां इह इस दे विच ही गाई जाएगी। देखो गुरु नानक देव जी का आप पहला वाला पाठ कल कर चुके थे, अज आप नैक्सट पाठ कर रहे हैं, ठीक है। गुरमत काव की यह दूसरी वीडियो होने वाली है। मैं थोड़ी श्योरिटी कहना कि गुरमत काव अगले तीन चार वीडियो के होजूगा कवर होजूगा, थोड़े पूरे ही ध्यान इन सारी चीज़ों देखना बहुत इंपोर्टेंट करवा रहा मैं। तो जे मैं पुत्र की गल करा तो पुत्र की गल करा तो इन्होंने पुत्र कौन से? श्री चंद और लखमीदास। गुरु नानक देव जी के दो पुत्र सन कि श्री चंद लखमीदास। इन्हां दी पत्नी का नाम की सी? बीबी सुलखनी जी। कदे कदे क्वेश्चन आ जांदा कि सुलखनी किन्ना दी धी सी? तां मूले दी धी सी। किहदी धी सी जी उह? उहनां दे पिता का नाम की सी? मूला, ठीक है जी। इन्हां ने अपनी गुरगद्दी किहनूं देती सीगी जी? गुरगद्दी का मतलब कि इन्हां ने सिक्खी का प्रचार किया, इन्हां ने, ठीक है, धार्मिक जिहड़े विचार सी उहनां दा प्रचार किया, तां इन्हां नूं लग्गिया कि इस तों बाद वी इहदा विचार होना चाहिए, तां उहदी जिम्मेवारी किहनूं दित्ती सी? इन्हां ने भाई लैणा जी नूं दित्ती सी, ठीक है। तो भाई लहना जी की दी सी? इन्हां ने अपनी मतलब दूजे गुरु की उपाधि। तो जे मैं कह कि भाई लहना जी कौन सी, तो भाई लहना जी ही अगे जाके कि बने? गुरु अंगद देव जी, जेडे कि सिखा के दूजे गुरु से। तो कदे कदे गुरु अंगद देव जी वेले क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु अंगद देव जी सिखा के किनवे गुरु से? तो गुरु अंगद देव जी सिखा के दूजे गुरु से, ठीक है। ये तो बाद जे मैं वारा की गल करा, हजे मैं वारा से, तो तीन वारा गुरु नानक देव जी ने लिखिया, चार वारा गुरु अमरदास जी ने लिखिया। तीन वारा गुरु नानक देव जी ने लिखिया, ते चार वारा किने लिखिया जी? इत्थे लिख दिंदा मैं, चार वारा किने लिखिया सी जी? गुरु अमरदास जी ने लिखिया सी। ते जे मैं गल करा अठ वारा, जो अठ वारा सी ओ किने लिखिया सी? ओ लिखिया सी जी गुरु गुरु रामदास जी ने, ठीक है। जो अठ वारा सी, चार वारा किने लिखिया सी? गुरु अमरदास जी ने लिखिया सी, अठ वारा गुरु रामदास जी ने लिखिया सी। ते जे गल करा छे वारा, जिहड़ियां छे वारा सी ओ किने लिखिया सी जी? अर्जन देव जी। जे मैं गल करा गुरु नानक देव सिखा के पहले गुरु से, गुरु अंगद देव सिखा के दूजे गुरु से, गुरु अमरदास जी सिखा के तीजे गुरु से, गुरु रामदास जी चौथे गुरु से, गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु से। तो यह सारिया किदे विच ने? गुरु ग्रंथ साहिब विच ने। थले कमेंट करके थोड़ा दसना है एक बार गुरु ग्रंथ साहिब विच हो रहा है वह किन्ना ने लिखी हुई है, एक बार गुरु ग्रंथ साहिब विच हो रहा है वह किन्ना दी लिखी हुई है, ये थले थोड़े कमेंट करके दसना है, ठीक है जी। तो अगे की कहता है कि जदों यह ज्योति जोत समाए, यह ज्योति जोत कदों समाए? 22 सितंबर 1539 के कितने समाए थे? करतारपुर साहिब कितने समाए थे जी? करतारपुर साहिब ज्योति जोत समा गए थे। तो जो इन्हों की दे लभनी चाहिए लोगों ने तो दे नहीं मिली, तो इन्हों का जो उपर कपड़ा सीगा उहदे ही की करते? दो हिस्से करते। चादर के की करते थे जी? दो हिस्से करते थे, एक हिंदू समाज ने रख लिया, एक मुसलमान समाज ने रख लिया। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि यह हिंदू और मुसलमाना के सांझे गुरु कहाए, ठीक है जी। तो जे मैं कह कि जो चादर के दो हिस्से किए तो एक हिस्से को क्या हिंदुओं ने अग लगा थी, ठीक है, तो दूजे हिस्से का की करता सीगा उन्होंने मुसलमाना ने की करता सीगा जी? मकबरा बनाता सीगा, मड़ी बनाते थे, ठीक है। सो जे मैं गल करा कि उस मकबरे ते या उस कबर ते की होया, कहा जाता है कि रावी दे विच जदों हड़ आया तां उस मकबरे नूं रोड़ के लै गया। इत्थों ये पता लगता कि गुरु जी सारी जिंदगी ही इन्हां जिहड़े भरम सीगे उन्हां नूं खंडदे रहे, तां करके ही एक कुदरती करिश्मा होया कि वह जिहड़ी उन्हां दी मकबरा सीगा वह भी बह गया, तां कि लोग कल नूं उन्हां दी पूजा ना करन। पर जे आपां ध्यान नाल देखे तां उन्हां ने कहा सी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, अज उन्हां दी ही मूर्ति पूजा हो रही है, ठीक है। गुरु नानक देव जी मूर्तियां बना बना के उन्होंने कहा कि कितने भी धूफ बत्ती नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ का खंडन किया, अब आप उन्होंने ही फोटो अगे कुछ करी जाने। सो मैं उम्मीद करता कि थोड़ा इतने तक का पता लग गया होगा। हूँ आप करांगे तीजे गुरु अमरदास जी बारे। सो अगे आप करांगे गुरु अमरदास जी बारे, ठीक है। सो जे मैं कह गुरु अमरदास जी, तो गुरु अमरदास जी सिखा के किनवे गुरु हुए? तीजे गुरु। किनवें गुरु हुए? तीजे। दूजे कहे से अपने गुरु अंगद देव जी, वो अपने सिलेबस नहीं है, सो इस बार आप नहीं पढ़ा, जो कभी टाइम लगे उन्होंने बारे भी आप पढ़ना जी। सो सब तो पहला की है, इन्हों का जन्म कदों होया? 5 मई 1400
79 5 मई 1479 की होया सी जी ना इन्हों का जन्म होया सी। ते जे मैं गल करा इन्हों के पिता जी की तो इन्हों के पिता जी का नाम की सी तेज पान भान भला जेडे कि एक खत्री सी बाई कास्ट की सी जी खत्री सी। ठीक है माता का नाम की सी इन्हों का सुलखनी माता का नाम की सी सुलखनी कितने कितने लक्ष्मी भी दिता जाता कोई चक्कर वाली गल नहीं ज़्यादातर एप्रोप्रिएट जो है वह की है सुलखनी। ठीक है उस तो बाद इन्हों का जन्म स्थान की सी बासरके कितने अमृतसर बहुत बार पूछा गया कितने सीगा जी बासरके वह कितने है अमृतसर के है तो कहा जाता है 62 साल की उम्र में यह कितने किन्हां नूं मिले गुरु अंगद देव जी मिले कितने मिले खडूर साहिब दे विच मिले तो यह किवें मिले क्यों मिले देखो ये बहुत ज़्यादा ज्ञान से इन्हां कोल बहुत ज़्यादा ज्ञान से गुरु जी नूं मिलन तो पहला। ठीक है देखो 62 साल की उम्र से तो इन्हों पहला बहुत ज्ञान से जो ये किसी गलबात करते तो इन्हों के उन्होंने ज्ञान झलकता सीगा। ठीक है गुरु जी को मिलने तो पहला ये किन्हां दी पूजा करते थे विष्णु जी की किन्हां दी पूजा करते थे विष्णु देवता तुहानूं पता होगा हिंदू देवता ने विष्णु उन्होंने पूजा करते थे तो हरिद्वार जाते होंगे कितने जाते होंगे हरिद्वार जाते तो कहा जाता है इन्हों एक बार एक बंदा मिला दुर्गा दास उन्होंने इन्हों पूछा कि थोड़ा गुरु कौन है तो इन्होंने कहा भी मेरा गुरु तो है नहीं चलो उतो आ गए पर यह गल इन्हें दिमाग से खटकती रही भी मेरा कोई गुरु है नहीं भी यह गल जी बनी नहीं भी चलो ज्ञान होगा मैं ठीक है लोग कहें पर भी मेरा गुरु नहीं है। सो इन्होंने की किया इन्होंने बाणी सुनी इन्होंने बाणी सुनी इन्होंने बाणी सुनी जी कि अपने बीबी अमरो जी को। ठीक है बीबी अमरो जी तो बाणी सुनी जेडे किसी गुरु अंगद देव जी की पुत्री सी उन्होंने बाणी सुनी तो उन्होंने पूछा भी यह की बाणी है तो वह कहें यह गुरु नानक देव जी की बाणी है तो उन्होंने कहा भी मैंने उन्होंने मिलना भी किमें मिलने वो कहें भी वह ज्योति ज्योत समा गए पर उन्होंने अगे जिन्होंने गुरुगद्दी दी गुरु अंगद देव जी उन्होंने तुम मिल सकते हो तो इन्होंने कहा भी कितने मिलने तो उन्होंने दस भी कितने खडूर साहब के विच ने करके यह गुरु अंगद देव जी को कितने जाके मिले खडूर साहब जाके मिले थे। ठीक है लगभग लगभग 11 साल इन्होंने किन्हां दी सेवा की गुरु अंगद देव जी की सेवा की कहा जाता है कि हरेक रात को रोज़ रात को वह रावी दरिया तो की लैके आते पानी भर के लैके आते इन्हों के नौ दिन रात को इन सेंस मतलब सवेरे 3-4 बजे तो 11 साल सेवा तो खुश होकर या इन्हों की जिहड़ी भगती सी वह तो खुश होकर या इन्हां दे विच कोई क्वालिटी देख के गुरु अंगद देव जी ने 73 साल के जो ये 73 साल के हुए 62 तो 73 साल के हुए तो उन्होंने की देती गुरुगद्दी सौंपती तो कदों होया 1552 के जे थोनू आ जाए कि गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी ने गुरुगद्दी कदों दिती तो वह कदों दिती 1552 दिती तो उ लगभग लगभग 95 साल की उम्र होने जो 73 तो 95 के होए तो 1574 के उ गुरुगद्दी उन्होंने अगे किनू दिती चौथे गुरु गुरु रामदास जी को देती। ठीक है जी तो जे मैं गल करा इन्हों के पुत्र की तो इन्हें दो पुत्र से भाई मोहन जी तो भाई मोरी जी इन्हों के दो पुत्र होए कि भाई मोहन जी तो भाई मोरी जी तो जे मैं पुत्रियों की गल करा तो बीबी दानी जी तो बीबी भानी जी इन्हें दो पुत्रियां हुई बीबी दानी तो बीबी भानी जी तो बीबी भानी जी का विह कि होगा गुरु रामदास जी के हो बीबी भानी जी का विह कि होगा गुरु रामदास जी हो यही गुरु रामदास जी अगे जाके सिखा के चौथे गुरु बने यही गुरु रामदास जी अगे जाके सिखा के किन्नवें गुरु बने चौथे गुरु बने। ठीक है जी जे मैं गल करा तो गुरु ग्रंथ साहिब इन्हों का की योगदान है तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लगभग लगभग 907 शब्द लिखे। ठीक है रचे तो किन्ने रागों में रचे जी 17 रागों के रचे एक अगे ने थोड़ा मैं क्वेश्चन दे दाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब कुल जिहड़े राग ने वो 31 रागों में बाणी रची गई है गुरु ग्रंथ साहिब 31 रागों में बाणी रची गई है तो क्वेश्चन आता है कि किहड़े गुरु साहिब ने जिन्होंने 30 रागों में बाणी रची पर एक राग में बाणी नहीं रची थले कमेंट करके दसना है गुरु अमरदास जी नहीं है। ठीक है तो क्वेश्चन की है गुरु ग्रंथ साहिब के कुल 31 रागों में बाणी रची गई है तो एक गुरु साहिब हुए हैं उन्होंने 30 रागों में बाणी रची पर एक राग में बाणी नहीं रची तो वह किहड़े गुरु साहिबान हुए हैं वो थोड़े थले कमेंट करके दसना। ठीक है एक क्वेश्चन होर है कि 974 शब्दों की रचना गुरु नानक देव जी ने किन्ने शब्दों की रचना की सी जी 974 शब्दों की रचना की गुरु ग्रंथ साहिब के क्वेश्चन रह गया से गुरु नानक देव जी 974 तो इन्होंने 907 शब्दों की रचना की है कि गुरु ग्रंथ साहिब के। ठीक है मतलब इन्हों की रचना के शब्द के गुरु ग्रंथ साहिब ने अगे जो मैं कहा इन्हों का मेन काम सब तो मुख्य काम की सी इन्होंने बाउली बनवाई जिदे की सी जी 84 पौड़ियां सी तां कहा जांदा है कि जिहड़ा उह बंदा उह 84 पौड़ियां ते जपजी साहिब दा पाठ करूगा तां उह की करूगा अपनी जिहड़ी 84 लख जूनियां ने उह तों की कर दूगा पार कर दूगा भी उहनूं उह 84 लख जूनियां दे विच भटकना नहीं पऊगा। ते इह बाउली कित्थे बनवाई सी उहनां ने गोइंदवाल साहिब दे विच ते इक जिक्र अगे आपां करांगे इक बाउली होर बनी है। ठीक है लाहौर दे विच थले कमेंट करके तुहाने उह वी दसना है कि जिहड़ी लाहौर दे विच बाउली बनी हुई है बाउली उह किन्हां ने बनवाई है ते इहदा कम कदों शुरू होया सी 1500
52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਉਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 84 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਉਲੀ, ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਉਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਬਾਉਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਪ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਪ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਪ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸੀ ਤੇ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗਪਰੀ ਜੀ। ਤਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 2 ਇਸਤਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗਪਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗਪਰੀ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰੋਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ 3 ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਚਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ, ਪੱਟੀ ਰਚੀ ਤੇ ਅਲਾਉਣੀ ਰਚੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ, ਪੋਤਰਾ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਬਹਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ? 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੱਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੜੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 4 ਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ? ਤਾਂ ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ। ਇਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਘੁੰਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 8-8, 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ